इस धरती पर हर एक जीव का अपना एक अलग महत्व है, अलग भूमिका है, और इन्हीं वजहों से ही हमारा इकोसिस्टम संतुलित रहता है। लेकिन जिस गति से हम मनुष्य विकास कर रहे हैं, उसी गति से हम पर्यावरण को भी नजरअंदाज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे जीवों पर खतरा मंडराने लगा है। उन्हीं में से एक जीव है मधुमक्खियां। एक समय था जब मधुमक्खियों के छत्ते हमारे घर के आसपास दिख जाते थे, लेकिन अब ये दुर्लभ हो गए हैं। विशेषकर शहरों में इनके प्राकृतिक छत्तों का दिखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनका हमारे आसपास न दिखना हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकता है? जी हाँ, मधुमक्खियों के ये छत्ते एक स्वस्थ पर्यावरण के संकेतक होते हैं। अक्सर काम में तल्लीन इंसान की तुलना मधुमक्खी से की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मधुमक्खियां मेहनती जीव के रूप में मशहूर हैं। मधुमक्खियां एकता की मिसाल होती हैं। ये अपने दिन का अधिकांश हिस्सा पराग जमा करने और उसे दूसरे फूलों तक पहुंचाने में खर्च करती हैं। दरअसल फूल वाले पौधों में परागण एक जरूरी क्रिया है। पौधों में पराग कण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। परागण क्रिया हवा, पानी, पक्षियों और कीट पतंगों द्वारा की जाती है। इसमें मधुमक्खियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग मधुमक्खियों के बारे में केवल ये जानते हैं कि इनसे हमें शहद मिलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन सच तो ये है कि मधुमक्खियां पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवों में से एक है। हमारे हर क्षेत्र में मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत ही मित्र कीट है हमारा, इंसान का भी, इन्वायरमेंट के लिहाज से भी, बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से भी, क्योंकि ये कई तरह से भूमिका अपनी अदा करती हैं। सबसे पहली बात तो इनका जो नेचर में रोल है, वो रोल है फसलों की पर परागण द्वारा पैदावार को बढ़ाना और उस पैदावार को एक सस्टेनेबल मैनर में बढ़ाना। और इस इनके महत्व को शायद दुनिया भर में जानते हुए भी पहचाना उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, जिसको कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बहुत पहले से इस पर काम करना शुरू किया और पहचाना और उसका उपयोग किया। लेकिन हमारे यहाँ धीरे धीरे इस चीज़ को अभी तो बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन शुरुआत में इसकी उतनी पहचान नहीं की गई। कि इस धरती पर मधुमक्खियों के महत्व के बारे में हमें कई वैदिक ग्रंथों के अलावा सुमेरियन और बेबीलोनियन क्यूनिफॉर्म में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सालों पहले कहा था कि दुनिया में अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो उसके 4 साल बाद धरती में जीवन समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आधुनिकता की चकाचौंध में हम दिन रात प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज के इस दौर में कृषि फसलों में परागण के लिए बहु उपयोगी किसान की मित्र मधुमक्खी खतरे की जद में आ गई है। अगर समय रहते इन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो हम पर खाद्यान्न संकट मंडराने लगेगा। ये मधुमक्खियां करीब 80% से भी ज्यादा पौधों का परागण करती हैं, जिसमें से 70% मानव खाद्य फसल होते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे खाने का हर तीसरा निवाला मधुमक्खियों की देन है। ये मधुमक्खियां न सिर्फ फूलों के परागण में अहम भूमिका निभाती हैं, बल्कि अन्य जीवों जैसे पक्षियों और कीटों को भी भोजन उपलब्ध कराकर पर्यावरण को संतुलित करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे देश में 5 करोड़ हेक्टेयर फसलों का परागण मधुमक्खियों पर निर्भर है। मधुमक्खी कृषि फसलों में अपने परागण के जरिए 30% तक अधिक पैदावार बढ़ाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में मधुमक्खियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। खेतों के अलावा जंगलों से भी मधुमक्खियों के छत्ते गायब होते जा रहे हैं। मधुमक्खियों की संख्या घटने के साथ साथ उनके छत्तों की संख्या भी कम हो रही है। उनकी कम होती संख्या के लिए सिर्फ और सिर्फ हम इंसान जिम्मेदार हैं।
क्योंकि आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेज हमारे बहुत हो रहे हैं, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हमारे वातावरण में पॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ों से वातावरण को जो नुकसान हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो मधुमक्खी भी क्योंकि एक जीव है भाई, वो भी इन डिस्टर्बेंसेस से अलग नहीं रह सकता, उसका असर इन पे मधुमक्खियों पे भी आता है। और जब वो असर आता है तो वाइल्ड जो जंगली हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई इस तरह का नहीं है कि उनको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए एक हद तक, क्यों जंगल में उस तरह से नहीं काम हो रहा है कि वो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो जो डिस्टर्बेंसेज हैं उनसे उनको नुकसान हो रहा है और वो धीरे धीरे उनमें कुछ कमी आ रही है, इसमें कोई दोरा नहीं है। कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। नियोनिकोटिनेट युक्त कीटनाशी संख्या घटाने में ज्यादा असरकारी साबित हुए हैं। ये रसायन प्रजनन को प्रभावित करता है और मधुमक्खियां भ्रमित होकर अपना रास्ता भूल जाती हैं। इतना ही नहीं, औद्योगिक कार्यों, खनन एवं पेट्रोलियम शोधन के कामों में उपयोगी सेलेनियम के कारण भी इन पर विपरीत प्रभाव हो रहा है। लार्वा अवस्था सेलेनियम के प्रति ज्यादा संवेदनशील देखी गई है। सेलेनियम के प्रभाव से लार्वा की परिवर्तन क्रिया धीमी हो जाती है एवं मौत भी संभावित है। सेलेनियम मधुमक्खियों में पराग कण और मकरंद द्वारा पहुंचता है। छत्तों में भी सेलेनियम की उपस्थिति का आकलन किया गया है। कृषि अनुसंधान संस्थान में भी फसलों पर परागण संबंधी कुछ परीक्षण किए गए थे। इस परीक्षण में पाया गया कि जिन फूलों का परागण मधुमक्खियों ने किया उनमें बीज बनने के आंकड़े कई गुना ज्यादा थे। इस शोध में सौंफ में 15 गुना बढ़ोतरी, बरसीम में तो बीज उत्पादन की बढ़ोतरी 112 गुना रही। वहीं सरसों में जिन फूलों को मधुमक्खी ने परागीकृत किया उनके फूलों से औसतन 82% फली बनी तथा एक फली में औसतन 14 बीज और बीज का औसत भार 3 मिलीग्राम पाया गया। इसके विपरीत जिन फूलों को मधुमक्खी द्वारा परागण से रोका गया उनमें सिर्फ 5% फलियां ही बनी। एक फली में औसत 1 बीज बना जिसका भार 1 मिलीग्राम से भी कम पाया गया। इसी तरह तिलहन की 100 परागणी किस्मों में उत्पादन 25-30% अधिक पाया गया। ऐसा नहीं है कि ये मधुमक्खियां केवल फसलों को ही लाभ पहुंचाती हैं। इनका परागण फलों, मेवों और सब्जियों के लिए भी बहुत जरूरी है। फल एवं मेवे की बात करें तो इसमें बादाम, सेब, खुबानी, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल एवं लीची जैसी चीजें मधुमक्खियों पर ही निर्भर होती हैं। वहीं सब्जियों में पत्ता गोभी, धनिया, खीरा, फूल गोभी, गाजर, नींबू, प्याज, कद्दू, खरबूज, शलजम और हल्दी भी इन्हीं पर निर्भर करते हैं। बादाम पूरी तरह से, जबकि सेब और चेरी जैसे फल 90% तक इन मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं। पॉलिनेशन की बात जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा एक योगदान है, क्योंकि उससे फसलों की काफ़ी पैदावार बढ़ती है। पॉलिनेशन को लेकर फसलों की पैदावार बढ़ाने में जैसे बहुत सारी फसलें, जैसे सेब की अगर बात करें तो सेब के बगीचे में अगर फूल के समय मधुमक्खी पालन या उसकी मधुमक्खी की कॉलोनियां रखी जाती हैं तो उसकी पैदावार में 6,850% तक का वृद्धि रिकॉर्ड की गई है, आंकी गई है। ऐसे ही लीची की बात करें तो उसकी फसल में 10,000% तक पैदावार में वृद्धि है। सेब, संतरा, अमरूद सभी फसलों में, ऐसे ही अगर फील्ड क्रॉप्स की बात करें, सरसों की बात करें तो 160% तक की वृद्धि उसमें रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से सनफ्लावर, सूर्यमुखी की बात करें 3,400% तक की वृद्धि उस, तो ये सब चीज़ें, ये सब डेटा और ये बातें हम नेशनल बी बोर्ड, जब से ये रिकंस्टिट्यूट हुआ उसी समय से हम लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं।
मधुमक्खियां न सिर्फ कृषि उत्पादन में वृद्धि करती हैं, बल्कि इसके पालन से किसानों को अच्छी आय भी होती है। दूसरा इसका जो और बहुत महत्वपूर्ण जो फायदा है, जो इसका योगदान है, वो आता है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी इसका बड़ा रोल है। वो रोल क्या है कि जो बायोडायवर्सिटी है उसको मेंटेन करने में हनी बीज का, मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो भी ये पॉलिनेशन के थ्रू करती हैं। दूसरा ये है कि एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे इन्वायरमेंट को बहुत फ़ायदा और दूसरे तरीक़ों से भी होता है। इससे कोई किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता और बहुत सारे इससे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स इतने यूज़फुल हैं। शहद एक्चुअली हमारे देश में या ज़्यादातर लोग मधुमक्खी पालन को शहद या डंक से जानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि शहद तो हमारे एजेंडा में सबसे लास्ट की चीज़ है। हमारा जो मेन जो सोच है इसको बढ़ाने का, वो पॉलिनेशन के लिए है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए है, इन्वायरमेंटल ये बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक्टिविटी है, और सबसे बड़ी बात है कि रूरल बेस्ड है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है इसको जनरेट होता है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, ये बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं कि उसमें मधुमक्खी पालन का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा किसानों की आमदनी दुगनी करने में। शहद इकट्ठा करने के लिए भारत में मधुमक्खी पालन प्राचीनतम परंपराओं में से एक रहा है। देसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की लोकप्रियता और मांग की वजह से मधुमक्खी पालन तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जेली आदि अतिरिक्त उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित होते हैं। मैं मधुमक्खी पालन से लगभग 26 ईयर से जुड़ा हूँ। मैंने 1990-91 में मधुमक्खी पालन शुरुआत किया था। उस टाइम हमारे मधुमक्खी पालन को इतना लोग हमारे देश में नहीं जानते थे, तो हमने लोगों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया और हमने देखा कि जहाँ जहाँ हमने मधुमक्खी लगाई है उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। ये हमें किसानों ने पिछले साल लगाई थी उन्होंने बताया कि आप हमारे यहाँ आइए। अभी तक लगभग हम 25,000 लोगों को तो बीकीपिंग की ट्रेनिंग दे चुका हूँ और लगभग 75,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मधुमक्खी पालन से कुछ न कुछ लाभ हो रहा है। और आज जिन प्रोडक्ट्स को हमारे साइंटिस्ट कहते थे कि भाई ये निकालना बहुत मुश्किल है, निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं रहा है, उसको कॉमर्शियली प्रोडक्शन में हम लेकर आए हैं। जैसे कि हम बी पोलन हम निकाल रहे हैं और आज अच्छी प्राइस में हमारा बी पोलन बीकीपर्स का सेल हो रहा है और उनको एक एडिशनल इनकम हनी के साथ साथ उसको बी पोलन निकालने में मिल रही है। रॉयल जेली हम निकालने लगे हैं। पहले रॉयल जेली बताते थे कि लोग हमारे जो महाभारत काल में जो होते थे, जो द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी थे, ये रॉयल जेली का इनको ज्ञान था और ये छत्तों से डायरेक्ट सेल निकाल के खाते थे, रॉयल जेली खाते थे। इसी तरह हमारा मधुमक्खी पालक भी रॉयल जेली का सेवन करता है। प्रोपोलिस जो निकालने लगे तो हमने देखा बाहर प्रोपोलिस के हजारों प्रोडक्ट बने हुए हैं और मैंने इसको देखा और मैं इसका खुद सेवन भी करता हूँ प्रोपोलिस का। इससे ये एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी सेप्टिक है, एंटी अस्थमा है, एंटी कैंसर है और कई पेशेंट हमारे यहाँ से इस प्रोपोलिस को ले जाके इससे ठीक हुए हैं। और आज हमने इसको प्रोपोलिस निकालने की एक स्ट्रिप डेवलप कर ली है और हमारे काफ़ी बीकीपर प्रोपोलिस निकाल रहे हैं और इससे भी उसको एक लाभ ले रहे हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि मधुमक्खियां अपने छत्ते में मोम से 6 कोनों वाले खाने बनाती है? ऐसा क्यों है? क्यों वो किसी और आकार के खाने नहीं बनाती? सन 1999 में प्रोफेसर थॉमस सी हेल्स ने इस बात को साबित किया कि एक जगह को बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 6 कोनों वाला आकार सबसे बेहतर होता है और इन्हें सबसे कम सहारे की जरूरत पड़ती है। 6 कोनों वाले आकार के खाने बनाकर मधुमक्खियां जगह का सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल करती हैं। वे कम मोम इस्तेमाल करके एक हल्का लेकिन मजबूत छत्ता बनाती हैं और इनमें खूब सारा शहद इकट्ठा करती हैं। इसी वजह से लोगों का कहना है कि मधुमक्खी के छत्ते की बनावट किसी अजूबे से कम नहीं। आज वैज्ञानिक मधुमक्खी के छत्ते की नकल करके ऐसे ढांचे बना रहे हैं जो मजबूत होते हैं और जिनसे जगह का सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल भी होता है।
कि मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं और वे कई रंगों की होती हैं। हालांकि मधुमक्खियों की कुछ चुनिंदा प्रजातियां ही शहद बनाना जानती हैं। इसके अलावा शहद बनाने के लिहाज से यूरोपीय हनी भी सबसे बेहतरीन होती है, लेकिन दक्षिण एशिया में करीब आधा दर्जन मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। शहद बनाने वाली मधुमक्खियों में एक तरह की सामाजिकता होती है, वो महत्वपूर्ण सूचनाएं छत्ते की दूसरी मधुमक्खियों तक पहुंचाती हैं। वैसे शहद बनाने वाली मधुमक्खियों का वैगल डांस मशहूर है, लेकिन वास्तव में ये शहद के छत्ते के आसपास मधुमक्खियों की आवाजाही है। अलग अलग प्रजातियों की मधुमक्खियां वैगल डांस के दौरान अपनी अलग आवाज निकालती हैं। केवल मादा मधुमक्खी ही डंक मारती है, नर नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डंक मारने वाला हिस्सा वही अंग होता है जो अंडा रखता है। हम में से ज्यादातर लोग मधुमक्खियों के महत्व की ओर ध्यान नहीं देते। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें इनके महत्व के बारे में इतनी जानकारी ही नहीं होती। इसलिए ये जरूरी है कि ना सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि निजी स्तर पर भी इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को इसके महत्व के बारे में अवगत कराया जाए। इनके बचाव के लिए हम सभी निजी स्तर पर कुछ ना कुछ प्रयास जरूर कर सकते हैं, जैसे कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जाए, जंगलों को खत्म न किया जाए, आम नागरिक और सरकार के द्वारा इनको बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, मोबाइल फोन के टावरों को जंगलों से दूर लगाया जाए, विभिन्न विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्रों को इनके महत्व के बारे में बताया जाए। हालांकि इस दिशा में भारत के अलावा कई देशों के सरकारी और गैर सरकारी संगठन प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक नेशनल बी बोर्ड, जिसका 2006 में पुनर्गठन किया सचिव कृषि एवं सहकारिता की अध्यक्षता में, उस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो दिया गया वो यही था कि मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देकर फसलों को परपरागण की क्रिया देते हुए कराते हुए उनकी पैदावार बढ़ाना, किसानों एवं मधुमक्खी पालकों की आमदनी बढ़ाना, इस उद्देश्य के साथ वो बोर्ड तब से काम कर रहा है। अभी हमारे देश में लगभग 30 लाख बी कॉलोनी है और हमारे मधुमक्खी पालक जो है लगभग इसमें 5 लाख मधुमक्खी पालक देश भर में इससे जुड़े हुए हैं और इसमें लगभग 2 करोड़ बी कॉलोनियों की जरूरत है। और हमारे देश में सबसे बढ़िया बात यह है कि लगभग 8 महीने तक फ्लावर अवेलेबल है। आज हमारे यहाँ लगभग 7 कंट्री के लोग मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ले चुके हैं, अफगानिस्तान से, ओमान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कई कंट्री के लोग हमारे यहाँ आते हैं और प्रशिक्षण लेके जाते हैं। अगर आप भी अब तक यही सोचते थे कि मधुमक्खियाँ केवल शहद के लिए जरूरी हैं, तो निश्चित रूप से अब आपका विचार बदल गया होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस धरती पर जीवन को बचाए रखने के लिए मधुमक्खियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं। किसान इसके पालन से न सिर्फ कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, बल्कि इनसे मिलने वाले शहद और मोम जैसी चीजों से अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। ऐसे में हम सभी को इनके संरक्षण की दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमें इसके लिए दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। ऐसा करके वो इस धरती को खूबसूरत बनाने में भी अपना योगदान देंगे।